सेवा जनशक्ति पार्टी की घोषणा शिव संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मनोहर ढोंडे ने की है। बिडवे लॉन्स लातूर में शिव संगठन की 27वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान बहुत ही उत्सवी माहौल में नई राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ किया गया। शिवा संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र सहित देश के 5 राज्यों में 5,000 शाखाएं स्थापित की जाने वाली है। ओबीसी समुदाय के नेताओं की आग्रह पर राजनीतिक दल सेवा जनशक्ति पार्टी की स्थापना की गई है। शिव संगठन को महाराष्ट्र में 85 लाख वीर शैव लिंगायत समुदाय के एकमात्र शक्तिशाली और प्रभावी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। शिवा संस्था के माध्यम से 27 वर्षों से सामाजिक न्याय के लिए कार्य करते हुए महाराष्ट्र में वीर शैव लिंगायत समुदाय की कुल 21 उपजातियों को ओबीसी और 3 उपजातियों को एसबीसी श्रेणी में आरक्षण दिया गया है और समाज के कई अन्य कानूनी मुद्दों का समाधान किया गया है। खरतर आम्ही शिवा संघटनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर 5 राज्यांमध्ये काम करत होतो, सामाजिक चळवळ म्हणून काम करत होतो। शिवा संघटना म्हणून 29 वर्ष काम करताना या सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून उपेक्षित समाजाला न्याय देण्याची भूमिका वठवत असताना शिवा संघटना म्हणून महाराष्ट्रातल्या 85 लाख वीरशैव लिंगायत समाजातल्या जाती उपजातींना संघटित करून न्याय मिळवून देण्याचं काम आम्ही करत होतो, परंतु महाराष्ट्रासह खास करून कर्नाटक आणि तेलंगणातल्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह होता की आता त्याच्या पलीकडे येऊन सगळ्या बहुजन वर्गाला सोबत घेऊन न्याय मिळवायचा असेल तर राजकीय पटलावरती आपण काम करण्याची गरज आहे। पण आग्रह होता कार्यकर्त्यांचा पदाधिकाऱ्यांचा की आपण राजकीय पक्ष स्थापन करावा, म्हणून आम्ही मागच्या वर्षी शिवा संघटनेचा 27वा वर्धापन दिन लातूर येथे साजरा करत असताना त्याच व्यासपीठावर सेवा जनशक्ती पार्टीची स्थापना केल्याची घोषणा केली आणि कालच्या 28 जानेवारी 2024 या सेवा जनशक्ती पार्टीचा पहिला वर्धापन दिवस हा परवणीमध्ये झाला। मी आपल्याला एका मिनिटात सांगणार आहे, सेवा जनशक्ती पार्टी ही बहुजन ओबीसी दलित आदिवासी शेतकरी कष्टकरी आणि उपेक्षित वर्गांचा आवाज म्हणून कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ प्रकाश शंकलवार की रिपोर्ट।